Hello friends, welcome back to Aliya Gupta. Today we study a new topic, resistivity or specific resistance. हम सब जानते हैं R is equal to rho L upon A. So rho will be R A upon L, where R is the resistance, A is the area of cross section and L is the length. इसकी जो SI unit होती है, वो होती है ओहम मीटर. हम इसे डेराइव भी कर सकते हैं. कैसे? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. अब आर को मैं ओहम लिख सकती हूँ. इसके एसआई यूनिट एक एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की एसआई यूनिट मीटर. तो ये हो गया ओहम मीटर. सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. अब ध्यान रखिए कि जो रेजिस्टिविटी है ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल. अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 207 पे दिए गए टेबल 12.2 पे देखें तो इस टेबल के हिसाब से सिल्वर की लोएस्ट रेजिस्टिविटी है जिसकी वैल्यू है 1.6×10⁻⁸ ओहम मीटर. तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी हमें दी गई है 1.6×10⁻⁸ ओहम मीटर. This is the resistivity of silver. तो अब मैं बोल रही हूँ the resistivity of silver is 1.6×10⁻⁸ ओहम मीटर. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं एक सिल्वर की बनी रॉड ले रही हूँ जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, सो इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1.6×10⁻⁸ ओहम. तो पर हम सब तो जानते हैं कि सिल्वर जो है वो तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसकी जो लोएस्ट रेजिस्टिविटी है. तो फिर वी कंक्लूड दैट रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी. अब अगर सिल्वर इतना अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, तो फिर हम उसे ट्रांसमिशन वायर्स में क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ये सिल्वर बहुत महंगा है. अगर हम स्टेबल में नीचे चले तो आता है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम. तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम का भी लो रेजिस्टिविटी है, मतलब हाई कंडक्टिविटी, और चीप मेटल्स है इसलिए हम उनसे ट्रांसमिशन वायर्स बनाते हैं. सिल्वर बहुत महंगा है इसलिए हम उससे नहीं बनाते, और एल्यूमिनियम कॉपर आर चीप मेटल, सो वी यूज देम टू मेक ट्रांसमिशन वायर्स. तो अब अगर मैं एक रॉड लेती हूँ जिसका लेंथ से 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू रो L कितना है 1 अपॉन एरिया है 1, तो इधर R इज इक्वल टू रो. तो रेजिस्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ रेजिस्टेंस of the rod made of that substance having a length of 1 meter and area of cross section 1 meter square. टेबल पे वापस आते हैं तो आगे रेजिस्टिविटी दी हुई है एलॉयज की. इसकी रेंज है कुछ 10⁻⁶ ओहम मीटर, और कंडक्टर्स की कितनी रेंज थी? 10⁻⁸ ओहम मीटर से 10⁻⁶ ओहम मीटर is the range of resistivity of conductors, and the range of resistivity of alloys is 10⁻⁶ ohm meter. अब आगे चले तो आती है resistivity of insulators. अब देखें तो इनकी resistivity आएगी 10⁻⁰ से लेकर 10⁻½ तक. पर कुछ बहुत अच्छे insulator होते हैं जैसे rubber होता है, diamond होता है, इनका जो resistivity है ये थोड़ा और हाई हो जाता है 10⁻½ से लेकर 10⁻⁷ ओहम मीटर तक. तो अब तक हमने क्या सीखा कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स होती है उसकी रेंज होती है 10⁻⁸ ओहम मीटर से
10 की पावर -6 ओम मीटर तक की जगह हम प्योर मेटल भी लिख सकते हैं। इसकी रेंज होती है 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, इसकी रेंज होती है 10 की पावर -6 ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स, इसकी रेंज होती है 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 12 तक। पर कुछ बहुत अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि रबड़ होता है और डायमंड होता है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 तक भी जाती है। 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 तक। सो दिस इज द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब तो आपने नोटिस किया होगा कि जब इलेक्ट्रिशियंस हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ठीक कर रहे होते हैं तो फिर रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रबड़ का बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होता है। अगर रबड़ का हाई रेजिस्टिविटी होता है तो उसका लो कंडक्टिविटी होता है, लो कंडक्टिविटी होता है तो, और रबड़ का तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है जिसका रेंज 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 के बीच में होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम। तो मतलब वो करंट को रबर ग्लव्स के थ्रू अपने थ्रू फ्लो नहीं करने देगा, जिससे इलेक्ट्रिशियंस को शॉक नहीं लगेगा। इसलिए जब इलेक्ट्रिशियंस बिजली से काम करते हैं तो वो रबर ग्लव्स पहनते हैं ताकि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना पड़े। अब हमको पता चला कि जो रेजिस्टिविटी होती है प्योर मेटल्स की उससे ज़्यादा होती है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, और उससे ज़्यादा होती है रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स। रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल्स से ज़्यादा होती है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, और रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज से ज़्यादा होती है रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स। अब हम डिफरेंट एलॉयज को कॉपर की रेजिस्टिविटी से कंपेयर करेंगे डिफरेंट एलॉयज की रेजिस्टिविटी को। हमें पता है कि कॉपर भी प्योर मेटल है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैंगानिन की। मैंगानिन ये एलॉय होता है मैंगनीज, कॉपर और निकल का। मैंगानिन इज एलॉय ऑफ मैंगनीज, कॉपर एंड निकल। इसका जो रेजिस्टिविटी होता है ये 25 टाइम्स ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर से। अब रेजिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन एक एलॉय होता है कॉपर और निकल का। इसका जो रेजिस्टिविटी होता है ये 30 टाइम्स ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर से। इन दोनों को हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस वायर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अभी रेजिस्टेंट वायर्स क्या करती हैं? रेजिस्टेंस वायर्स ये एक सर्किट में करंट का फ्लो रिड्यूस करती हैं। हम रेजिस्टेंस वायर्स बनाने के लिए मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन को यूज करते हैं क्योंकि इनका बहुत हाई रेजिस्टिविटी होता है। अब बात आती है रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में तो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बहुत अच्छे से सीखा था। इट इज एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन एंड मैंगनीज। इसका जो रेजिस्टेंस है ये 60 टाइम ज्यादा होता है। रेजिस्टिविटी इसका जो है इट इज 60 टाइम्स मोर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। कॉपर की रेजिस्टिविटी से नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी जो एक एलॉय होता है निकल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज का, वो 60 टाइम्स ज्यादा होती है कॉपर की रेजिस्टिविटी से। इसको हम यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कहाँ यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट? हीटिंग एलिमेंट किसमें यूज करते हैं एज इन हीटिंग एलिमेंट? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? दो रीजंस है कि हम हीटिंग एलिमेंट की तरह नाइक्रो एलॉयज को यूज करते हैं, और वो दो रीजंस है कि पहला तो
कि एलॉयज का जो होता है वो बहुत हाई रेजिस्टिविटी होता है. एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी. दूसरा रीजन कि जो एलॉयज होते हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से बर्न या ऑक्सीडाइज नहीं करते. नो, वो बर्न नहीं करते और ऑक्सीडाइज भी नहीं करते ड्यू टू हाई टेम्परेचर. इन दो रीजंस की वजह से हम एलॉयज को हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो तो आप सबको पता होंगे कि वो होते हैं टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर एक्सेट्रा. और ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए हम हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं एलॉयज से. तो आइए देखते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है. हम चार केसेस लेंगे, प्योर मेटल्स का, दूसरा केस हम लेंगे एलॉयज का, तीसरा केस हम लेंगे इंसुलेटर्स का और चौथा केस हम लेंगे सेमीकंडक्टर का. इधर मैं रेजिस्टिविटी लिखूंगी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इधर लिखूंगी. पहले प्योर मेटल. प्योर मेटल का जो रेजिस्टिविटी होता है वो लो होता है, लो रेजिस्टिविटी. प्योर मेटल्स के केस में उनका लो रेजिस्टिविटी होता है. अगर हम उन्हें हाई टेम्परेचर पे रखें तो फिर उनका जो रेजिस्टिविटी होगा वो भी बहुत हाई हो जाएगा. तो फॉर प्योर मेटल्स रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. तो प्योर मेटल्स के केस में उनका लो रेजिस्टिविटी होता है और अगर हम उन्हें हाई टेम्परेचर पे रखें तो उनका रेजिस्टिविटी भी हाई हो जाता है. अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो फिर वो बर्न कर जाएंगे और या फिर ऑक्सीडाइज कर जाएंगे एट हाई टेम्परेचर. तो ध्यान रखिए प्योर मेटल्स के केस में उनका लो रेजिस्टिविटी होता है, अगर हम उन्हें हाई टेम्परेचर पे रखें तो फिर उनका रेजिस्टिविटी भी हाई हो जाता है. तो हम कह सकते हैं फॉर प्योर मेटल्स रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे वो बर्न या ऑक्सीडाइज कर जाते हैं. अब बात आती है एलॉयज की. एलॉयज का हाई रेजिस्टिविटी होता है, लेकिन अगर हमें हाई टेम्परेचर पे रखें तो ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता और वो बर्न या ऑक्सीडाइज भी नहीं करते. हम जैसे पहले देखा था कॉन्स्टेंटन और मैंगन, इनके हम रेजिस्टेंस वायर्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में. नाइक्रोम का हम हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाते हैं. तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, एलॉयज का क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एलॉयज को अगर हम हाई टेम्परेचर पे भी रखें तो उनकी रेजिस्टिविटी पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और बर्न या ऑक्सीडाइज भी नहीं होते. सो दे डू नॉट बर्न और ऑक्सीडाइज. अब बात आती है इंसुलेटर की. इंसुलेटर का तो बहुत हाई रेजिस्टिविटी होता है. इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी पे अगर हम उन्हें हाई टेम्परेचर पे भी रखें तो फिर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नो इफेक्ट इंसुलेटर का, क्योंकि इंसुलेटर का तो खुद में ही बहुत हाई रेजिस्टिविटी होता है. तो अगर हम उसे हाई टेम्परेचर पे भी रखें तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब केस आता है सेमीकंडक्टर का. वैसे आपकी बुक में नहीं है बट जस्ट फॉर योर नॉलेज. इसका जो रेजिस्टिविटी होता है हम सब जानते हैं कि ये प्योर मेटल से ज्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है. तो रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल्स से ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और उससे ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर. सो इट लाइज बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल एंड इंसुलेटर. केस थोड़ा डिफरेंट होता है. अगर हम किसी सेमीकंडक्टर को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी जो है वो लो हो जाता है. तो सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेजिस्टिविटी लो होगा. अब हमें पता है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मैं ऐसे लिख सकती हूँ. अब सेमीकंडक्टर में, मतलब अगर हम सेमीकंडक्टर को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसका कंडक्टिविटी भी हाई होगा
कंडक्टिविटी हाई होने का मतलब कि उसका जो कंडक्टिविटी है कि वो ज्यादा करंट को अपने थ्रू फ्लो करने देगा. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड टू मेक सोलर एनर्जी डिवाइसेस. Used to make solar energy devices. तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है. हमने उसकी SI यूनिट डिराइव की. उसके बाद हमने देखा कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटीरियल. फिर हमने डिस्कस की रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल्स अलॉयज एंड इंसुलेटर्स. उसके बाद हमने देखा कि हम अलॉयज को क्यों यूज करते हैं रेजिस्टेंस वायर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने के लिए और हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए. और एंड में हमने टेबल पढ़ी जिसने हमें बताया कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप एंड कीप सजेस्टिंग हाउ कैन आई मेक द वीडियो बेटर. Keep watching Aliya Gupta. Thanks for watching. Have a great day. Bye-bye.